ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मूवी भूलभुलैया 3 ने सिंघम अगेन के कमाल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मैं मानता हूँ कि ऐसे ट्रेलर को निकालने की बात कोई कैसे किसी के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, बट स्टिल यहाँ पे जो है उसने सिंघम अगेन के मोस्ट वॉच 24 आवर्स ट्रेलर के रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया। जैसे कि आप लोगों को पता, सिंघम अगेन मूवी ने रिकॉर्ड 138 मिलियन व्यूज जो है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म लिए थे, एंड गाइज उसका भी ट्रेलर किसी क्रिंज से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो उसने कमाल का रिकॉर्ड जो है 138 मिलियन का वो यहाँ पे जो है बना के रख दिया था। लेकिन यार फिर भूलभुलैया 3 आती है, उसने भी यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे जो है शटर करके रख दिया। एंड गाइस उसने यहाँ पे जो है 24 आवर्स के अंदर 155 मिलियन व्यूज जो होते हैं वो यहाँ पे जो है निकाल दिए। एंड गाइस अभी से यहाँ पे सिंघम अगेन मूवी को तोड़ के रख दिया। और जैसे कि आप लोगों को बताया कि भाई देखो अपना सिंघम अगेन मूवी का ट्रेलर जो था जब वो आया था तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो सीधा ही टॉप 10 की लिस्ट में आ गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है पहले सलार है, फिर KGF है, फिर आदिपुरुष है, फिर सलार का एक और सेकंड ट्रेलर है, एनिमल डंकी है, राधेश्याम में जवान है, फिर सिंघम अगेन का ट्रेलर जो होता है आ गया। इतना ही नहीं बल्कि वो तो यहाँ पे जो है टॉप 3 मोस्ट व्यूड बॉलीवुड ट्रेलर के अंदर से भी तीसरे नंबर पे आ गया था। बट यार यहाँ पे तो भूलभुलैया 3 ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, उससे सीधा यहाँ पे जो है 155 मिलियन व्यूज लेकर आ गया। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कार्तिक आर्य के इंस्टाग्राम पे उसको 8.7 एफबी पे 381K व्यूज मिले, विद्या बालन के 5 मिलियन एंड एफबी पे 92। ऐसे करते करते जितने भी स्टार कास्ट थे, माधुरी दीक्षित, तृप्ति तिमरी, टी सीरीज, टी सीरीज एफबी, सबको मिला के इसके यहाँ पे जो है काफी इजिली 155 मिलियन व्यूज होते आ गए। बट स्टिल यहाँ पे जो है IMDB के ऊपर सिंघम अगेन मूवी यहाँ पे जो है 56.4% से काफी हाई है। तो यार एक बार मुझे बताओ कि यार ये ऐसा कैसा यहाँ पे जो है निकल कर आ रहा है, कोई कहाँ पर ऊपर है तो कोई कहाँ पर ऊपर है, कौन सी मूवी लोग देखना पसंद करेंगे, कौन सी मूवी के लिए लोग जाएंगे। स्टिल अभी भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है लोगों के दिमाग में रह। बट इसी के साथ रोहित शेट्टी ने यहाँ पे काफी अच्छा प्लान बनाया मार्केटिंग करने के लिए अपनी मूवी को। उन्होंने यहाँ पे जो है अजय देवगन एंड टीम टू बर्न रावण एफिगेट लव कुश रामलीला। बेसिकली आप सभी लोगों को पता है रामलीला जो अभी तक की यहाँ पे जो है सबसे बड़ी होती है लाल किला मैदान के अंदर, वहीं पे दोस्तों ये लोग जाने वाले हैं अपनी पूरी टीम के साथ। एंड गाइस वो खुद यहाँ पे जो है रावण को आग लगाएंगे, ऐसा सुनने में मेरे को यहाँ पे जो आया है। बिकॉज यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, दशहरे में होगा सिंघम अगेन का जलवा, दिल्ली में रावण को भस्म करेंगे करीना कपूर, अजय देवगन, रोहित शेट्टी की पूरी टीम। तो उनको पर्सनली इन्वाइट मिला है वहाँ पे, इसी के साथ इसकी पिक्चर की पूरी जो प्रमोशन होता है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा। तो यार आप लोग मुझे बताओ कौन सी मूवी के लिए आप लोग यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, सिंघम अगेन या फिर दोस्तों कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 3? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके और वीडियोस के लिए फटाफट जाओ फॉलो।